बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर गांव में बुधवार को अचानक चार घरों में आग लगने से घर का सभी सामान जलकर नष्ट हो गया। जब तक ग्रामीण लोटा बाल्टी के सहारे आग पर काबू पाते तब तक चारों घर धू धू कर आग की तेज लपटों में जलकर नष्ट हो गया। इस आगजनी में लौगाय पंचायत के चांदपुर गांव निवासी कैलू लैला, पप्पू लैला, चंदेश्वरी लैला तथा गुड्डू लैला का घर जलकर राख हो गया। आग में नकदी, अनाज के साथ घरेलू उपयोग के लिए रखे कई आवश्यक व कीमती सामान जलकर नष्ट हो गया। इधर आग लगने की जानकारी पाकर मुखिया ब्रह्मदेव सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि आलोक तुषार तथा पूर्व विधायक मनीष कुमार चौधरी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद देने का दिलासा दिया। उन्होंने आग की घटना की जानकारी से स्थानीय सीओ को अवगत कराते हुए पीड़ितों को आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने के साथ मुआवजा राशि देने की मांग की है। फिलहाल प्रमुख प्रतिनिधि आलोक तुषार के द्वारा पीड़ित परिवार को रहने के लिए छत एवं अनाज बर्तन मुहैया कराया गया है। सब एकदम पूरा घर में पकड़ी गई, दौड़ता दौड़ता यहाँ लगी गई जी, पूरा की करते पहले बना देख पूरा ले अभी हम मीठे सिने कुलू ने मधा भरे की तरफ से हो के धुला हुआ को लगी ले जी यार हमारे गर्दन लगी है दौड़ा लगी है मीर मौज कर दे क्या कला पर मैं करके हल्ला हल्ला के तब उन्हें जाओ ना कुछ कहीं नहीं हो लोग तो मंदिर के आधी बार रे हुआ स्पार्क हुआ जिसके चलते पूरे घर में लग गया। तो बिजली वाला से भी है ना स्कोप मिलने का बिजली विभाग से आपकी तरफ से कोई तरह का नहीं बिजली में आपदा मैंने बिहार सरकार आपदा विभाग जो सीओ साहब जो देते हैं वो तो मिलेगा ही बिजली विभाग से कुछ नहीं सर। अच्छा सिर्फ उस पर है जलने पर नहीं है।